तो गाइस आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है जिसमें हम लोग रिव्यू करेंगे न्यूट्राबे गोल्ड आइसोलेट प्रोटीन। तो गाइस इस ब्रांड की बात करें तो इस ब्रांड से आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे क्योंकि ये एक लीडिंग ऑनलाइन सप्लीमेंट सेलिंग कंपनी है। ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कि 5 साल पहले से इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुकी है। इन्होंने अपना सप्लीमेंट रेंज भी स्टार्ट कर दिया जिसमें ये लोग वे प्रोटीन ऑफ़र करते हैं, क्रिएटिन ऑफ़र करते हैं, अमीनोज भी ऑफ़र करते हैं, मास गेनर्स भी आता है इनका और पीनट बटर भी आता है। बात करूँ इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो न्यूट्राबे ने इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी है फर्मेंटिस लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को। फर्मेंटिस लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा बेस्ड कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती है हर्बल एक्सट्रैक्ट्स की, वाइटमिन एंड मिनरल्स की और प्रोटीन शेक्स की। तो गाइज ये तो हो गई बात कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो मेरे पास है चॉकलेट फ्लेवर, रिच चॉकलेट क्रेम फ्लेवर, तो मैं उसी का इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बताऊंगा। तो बात करूं इनके सबसे पहला यानी सबसे मेजर इंग्रेडिएंट तो वो है वे प्रोटीन आइसोलेट। देखिए ये प्योर आइसोलेट प्रोटीन है इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन आइसोलेट ही यूज़ किया गया है प्रोटीन के लिए। फिर सेकेंड इन्ग्रीडियंट है कोको पाउडर, थर्ड इन्ग्रीडियंट है कॉमन सॉल्ट, स्टेबलाइज़र, फिर उन्होंने 5 तरीके के एंजाइम्स डाला है जिसको ये लोग एंजाइम ब्लेंड बोलते हैं, इमल्सीफायर INS322 मतलब सोय लेसिथिन का कंपनी ने यहाँ पर यूज़ किया है एज अ इमल्सीफायर। सोय लेसिथिन मतलब सोय प्रोटीन नहीं होता गाइस, सोय लेसिथिन बेसिकली डाला जाता है वे प्रोटीन की मिक्सेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद वाला जो इंग्रेडिएंट है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर और फिर इन्होंने डाला है एंटी केकिंग एजेंट। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो कंपनी यहाँ पर बोलती है कि इनका जो एक हीपिंग स्कूप है वो 30 ग्राम्स का है जिसमें ये एज इस बेसिस पे प्रोटीन आपको 25 ग्राम्स यानी कि 83.3% एज इस बेसिस पे प्रोटीन यहाँ पे कंपनी आपको ऑफर करती है। कार्बोहाइड्रेट पर सर्विंग मिलता है 1.7 ग्राम और फैट यहाँ पे कंपनी आपको ऑफर करती है 0.4 ग्राम्स। बात करें इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में तो कंपनी ने अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग मेंशन कर रखी है जो कि इनके प्रोटीन कॉन्टेंट पर सर्विंग को मैच करता है और जस्टिफाई करता है। बात करूं इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में तो कंपनी यहां पे फिल्ट्रेशन मेथड कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करती। तो मैं उन सारे कस्टमर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो ये प्रोडक्ट खरीदने को सोच रहे हैं कि वो कंपनी को मेल करें और कंपनी को मेल करके पूछ लें कि कौन से फिल्ट्रेशन टेक्निक से उनका वे प्रोटीन फिल्टर हुआ है। 4 तरीके के फिल्ट्रेशन टेक्निक होते हैं, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज। जो पहले के 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं वो नेचुरल मेथड है वे प्रोटीन फिल्टर करने के लिए, जबकि जो आयन एक्सचेंज है वो एक केमिकल मेथड है वे प्रोटीन फिल्टर करने के लिए। तो कोई भी प्रोटीन अगर नेचुरली मेथड से फिल्टर किया गया है तो ही मैं एडवाइस करता हूँ उसे लेने को। तो प्लीज़ आप ये चीज़ कंपनी को मेल करके कन्फर्म कर लें। बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में गाइस, तो मुझे ये पड़ा था 2043 रुपीज़ का 1 kg और इसमें टोटल आते हैं 33 सर्विंग्स। अगर हम पर सर्विंग की कॉस्ट निकालें तो वो आती है 62 रुपीज़, मतलब 62 रुपीज़ में कंपनी यहाँ पे आपको 25 ग्राम्स एज इज बेसिस पे प्रोटीन ऑफर करती है जो कि आइसोलेट फ्लेवर के रूप में है। बात करें इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में तो कंपनी अपने लेबल पे मेंशन करती है कि इनका जो सर्विंग साइज है वो हीपिंग स्कूप है 30 ग्राम्स का, पर मेरे किचन वेइंग स्केल पे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके मिक्सेबिलिटी के बारे में। तो गाइस मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की अच्छी है, 10 से 15 सेकंड में आपको स्मूथ और लम फ्री शेक मिल जाएगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में। तो देखिए इस प्रोडक्ट का टेस्ट भी काफ़ी बैलेंस्ड है, फ्लेवर भी काफ़ी बैलेंस्ड है, जो स्वीटनेस है वो भी ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही ज़्यादा माइल्ड है, तो इसे पीने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो गाइस मैंने इस प्रोडक्ट का सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें पाया गया है 87.7% प्रोटीन ड्राई बेसिस पे। अब यहाँ पे कंपनी क्योंकि अपना प्रोटीन मेंशन करती है एज इस बेसिस पे, इसलिए मैं अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट से 5% माइनस कर दूंगा एज अ मॉइस्चर ताकि हम एज इस बेसिस से प्रोटीन निकाल सकें। तो अगर 87.7% से हम 5% माइनस करेंगे तो एज इस बेसिस पे हमारा प्रोटीन कंटेंट आएगा 82.7%, जिसके हिसाब से
मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको पर सर्विंग मिलेगा 24.8 ग्राम्स प्रोटीन, मतलब कंपनी क्लेम से ये 0.2 ग्राम्स कम है। अब बस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव के बारे में। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करूँ तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट अच्छी आई है, सिर्फ 0.2 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग ही कम पाया गया है। बात करूँ दूसरे पॉजिटिव के बारे में तो इस प्रोडक्ट की मिक्सेबिलिटी अच्छी है। तीसरे पॉजिटिव के बारे में बात करूँ तो अमीनो एसिड प्रोफाइल फुली डिस्क्लोज है, जो कि इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग से मैच करती है, उसे जस्टिफाई करती है। बात करूँ चौथे पॉजिटिव पॉइंट की तो इंग्रेडिएंट्स ये लोग फुली डिस्क्लोज करते हैं। और बात करूँ सबसे पाँचवें पॉजिटिव पॉइंट की तो इन्होंने प्रोटीन एज इज बेसिस से मेंशन कर रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव नंबर वन मैं बोलूँगा, कंपनी ने यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। और बात करें सबसे लास्ट नेगेटिव के बारे में तो वो है इनका सर्विंग साइज। थोड़ा सा मेरे किचन वेइंग स्केल में इनका सर्विंग स्कूप जो है वो एक्यूरेट नहीं आया है। ये लोग 30 ग्राम मेंशन करते हैं पर मेरे किचन वेइंग स्केल पे वो 30 ग्राम से ज़्यादा आया है, इसलिए इनका सर्विंग साइज ही मैं इनएक्यूरेट बोलूँगा। ऑल एट गैस, तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू न्यूट्राबे गोल्ड आइसोलेट वे के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर बार की तरह आज का भी रिव्यू अच्छा लगा हो। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।